हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग 26 सितंबर के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे। यहां पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं। इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे बीएड के पहले चरण में कुल कितने सीट अलॉट हुए, बीएड में अभी कुल कितने सीटें खाली हैं, दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है बीएड की, उसके बाद पीजीटी की 12 विषयों की साक्षात्कार की तिथि घोषित हो गई है, और भी मुख्य खबरें हैं। सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर डेली मॉर्निंग में ऐसे ही अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे YouTube पे कमेंट आ रहे थे और Instagram और WhatsApp पे डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे कि हम सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं या भरना चाहते हैं, तो हम कौन सी बुक लें ताकि हमारा सीटेट में अच्छा स्कोर आ जाए। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। ये गाइड है, नीचे आप लोग इसका देख सकते हैं कवर। ये प्राइमरी लेवल की ये बुक है, यानी कि 1 से 5 तक के लिए है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, इंग्लिश लैंग्वेज, 3000+ क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। तो सीटेट के लिए बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बार सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो न्यू पैटर्न पर आधारित है ये चक्षु की बुक। और ये जो बुक है हर स्टोर पे, बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैप, कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हूँ, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पहली खबर देख सकते हैं, पीजीटी 2021 12 विषयों की साक्षात्कार तिथि घोषित हो गई है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5 से 20 अक्टूबर तक होंगे इंटरव्यू, यानी कि 5 अक्टूबर से इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, 20 अक्टूबर तक इसके जो है इंटरव्यू होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी 2021 के 12 विषयों के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित करके जो है दूसरे दिन शनिवार को साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दिया है। साक्षात्कार पत्र और विषय वार तिथि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। साक्षात्कार 5 से 20 अक्टूबर के बीच होगा, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड की भी अपडेट है कि डीएलएड के 12,975 छात्रों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के लिए 1 से 30 हज़ार रैंक तक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर तक हुई थी। कुल 17,402 अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन के लिए जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया था। इसमें से 12,975 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। इसमें 7,944 अभ्यर्थियों को डाइट मिले हैं और डाइट में कुल 10,600 सीटें हैं। अब तक 27 तक जो है 30,001 से 1,00,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। साथ ही पूर्व में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं हुए हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी। तो टोटल जो है 12,975 छात्रों को जो है कॉलेज मिल गया है डीएलएड में, और कल बीएड का भी अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, दोनों का साथ ही आया है। आगे देखते हैं, काफ़ी सारे लोगों को दोनों मिल गया है, यानी कि उधर बीएड में प्राइवेट मिल गया है और डीएलएड में डाइट मिल गया, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि किस में से हम करें। तो जिसमें आपका पैसा कम लग रहा हो डीएलएड के लीजिए, अगर आपको प्राइमरी जूनियर देखना है तो डीएलएड के लीजिएगा, मेरिट भी आपकी बन जाएगी। उसके बाद विभिन्न पदों पर बम्फर भर्तियाँ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पद रिक्त हैं गोरखपुर में, और ये वेबसाइट है, चेक कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार है, पदों की संख्या है टोटल 53, और विभिन्न योग्यता धारकों के लिए मौका है, टोटल 462 पद हैं जम्मू एवं कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू में, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 9 नवंबर 2021। सीनियर रेजिडेंट एवं अन्य पद रिक्त हैं गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड पहले चरण में 30,031 को अलाट हुई हैं सीटें, ठीक है। दूसरे चरण में सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है, यानी कि दूसरे चरण की जो है काउंसलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं रीड करके बताता हूँ, 30,031 सीट अलाट हो गई हैं फेज़ वन में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोटल अभी कितने सीटें खाली हैं। देखिए, अब जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करने से कोई मतलब नहीं होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही प्रदेश के प्राइवेट व सरकारी बीएड कॉलेजों की प्रवेश काउंसलिंग के पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जो है शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार पहले चरण में 30,031 विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई है। इसमें सामान्य श्रेणी की
25,632 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1,841 और अनुसूचित जाति की जो है 1,165 और अनुसूचित जनजाति की 30 और अन्य राज्यों के 728 व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 635 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण में 36,294 अभ्यर्थियों ने जो है पंजीकरण किया था। 35,727 अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को विकल्प लॉक किए थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किए थे 567 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन कोई भी विकल्प लॉक नहीं किया। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग का दूसरा चरण भी शनिवार से शुरू हो गया है जिसमें स्टेट रैंक 75,001 से 2,00,000 तक के अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में अभी 219,870 सीटें विद्यार्थियों के लिए खाली हैं जिन पर वे प्रवेश ले सकते हैं। तो फेस टू की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जिनकी भी स्टेट रैंक 75,001 से 2,00,000 के बीच में है तो उनकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो गई है और आज रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं अभी जो है बीएड में टोटल 219,877 सीटें खाली हैं तो बहुत सीटें हैं, अभी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो सबसे पहले कॉलेज की लिस्ट से जो है आपके जितने आसपास कॉलेज हैं उन कॉलेज के नाम नोट कर लीजिए, कोड नोट कर लीजिएगा ताकि चॉइस फिलिंग करते समय आपको दिक्कत ना हो, जल्दबाजी में आप लोग कुछ गड़बड़ ना करें। चॉइस फिलिंग वगैरह तो अपने से आप लोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग अपने से कर सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं किया था। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने अभ्यर्थियों को परामर्श दिया है कि वे चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में महाविद्यालय चयन के पहले वेबसाइट पर उपलब्ध महाविद्यालयों की सूची से अपने पसंद के महाविद्यालयों के कोड नोट कर लें ताकि जल्दबाजी में जब आप लोग जैसे अपने से नहीं कर रहे हैं तो कैफ़े वगैरह में जाएंगे तो वो लोग जल्दबाजी में करेंगे कि बताइए कॉलेज के नाम फटाफट और इधर उधर कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी 75,001 से 2,00,000 के बीच में है स्टेट रैंक उनकी जो है काउंसलिंग होगी। कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और कल खुल नहीं रहा था शाम तक, तो 26, 27, 28 तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग भी होगा। और चॉइस फिलिंग जैसे 28 तक भी नहीं कर पाते हैं तो 29 तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेंगे। 30 को जो है फेस टू का अलॉटमेंट आएगा और 1, 2, 3, 4 तक जो है फीस कंफर्मेशन पेमेंट होगी। उसके बाद फेस वन का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फेस वन का जैसे अलॉटमेंट आ गया है, अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, तो जब आप लोग अपनी बकाया फीस जमा करेंगे 26, 27, 28, 29 तक चारों दिनों में किसी भी दिन आप लोग अपनी फीस कंफर्मेशन जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। ये तो अभी रिजल्ट है, ये कोई काम का नहीं है। जब आप लोग अपनी बकाया फीस जमा करेंगे तभी एक जो है आपका फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है जारी होगा, लेटर आएगा वो आपके ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे आएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट आप लोग कर दीजिए, अपनी सीट कंफर्म कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ सीटेट की जो है अलग अलग बुक्स आती हैं चक्षु पब्लिकेशन की, यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु पब्लिकेशन का, गणित का, पर्यावरण अध्ययन का। तो इसे आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। मिलते हैं अगली यूट्यूब वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।